अगर आप अपने चेहरे को गोरा बनाकर अपनी पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने रंग को बहुत ज़्यादा फेयर बना सकते हैं, अपने रंग को बहुत ज़्यादा गोरा कर सकते हैं। गाइज, आज का नुस्खा उन लड़के और लड़कियों के लिए होने वाला है जो काफ़ी सारी चीज़ों को ट्राई कर चुके हैं और उन्हें लगता है कि उनके चेहरे पर कोई भी चीज़ वर्क नहीं करती है, उनके रंग पर कोई भी चीज़ काम नहीं करती है। और गाइज, इस नुस्खे की मदद से वो अपने चेहरे पर इसका बहुत ही अच्छा असर देख पाएंगे, अपने रंग को फेयर बना पाएंगे। धूप में घूमने की वजह से या किसी भी कारण से अगर आपका चेहरा बहुत ज़्यादा काला हो गया है तो ये नुस्खा आपके चेहरे पर बहुत ज़्यादा वर्क करेगा, लड़के और लड़की दोनों के लिए होने वाला है। बस आपको इसको कंटिन्यू ट्राई करना होगा। सो गाइज, बने रहिए इस वीडियो में, इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको ये नुस्खा सही से समझ आए और आप इस नुस्खे के इस्तेमाल से अपने चेहरे को बहुत ज़्यादा गोरा फेयर बना सके, जिससे आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगी। सो गाइज, बने रहिए इस वीडियो में, इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको नुस्खा सही से समझ आए। और गाइज, आपसे एक रिक्वेस्ट भी, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। गाइज, सबसे पहली चीज जो आपको चाहिए वह गाइज बेसन। आपको सिंपली करना ही है कि एक चम्मच के बराबर बेसन आपको एक साफ कटोरी में ऐड कर लेना है। ये देखिए गाइज, इतना बेसन एक साफ कटोरी में ऐड कर लीजिए। गाइज, बेसन के अंदर हर वो खूबी होती है जो आपकी स्किन के लिए फायदेमंद होती है, आपकी स्किन के ऊपर से पिगमेंटेशन को रिमूव करती है, आपके चेहरे के ऊपर अगर काले दाग धब्बे हो गए हैं तो उन पर भी ये बहुत ज़्यादा असर करती है और आपके चेहरे को बहुत ज़्यादा फेयर बनाती है। गाइज, दूसरी चीज़ जो आपको चाहिए वह गाइज फेयर एंड लवली। आप जो भी फेयरनेस क्रीम अपने चेहरे पर इस्तेमाल करते हैं आप वो यूज़ कर सकते हैं, चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास फेयर एंड लवली है तो इसलिए मैं इसको यूज करके बताने वाला हूँ आपको। आपको सिंपली करना ही है कि आधा चम्मच के बराबर क्रीम आपको इसके अंदर ऐड कर लेनी है, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से आपको ऐड कर लेनी है। और गाइज, तीसरी चीज जो आपको इसके अंदर ऐड करनी है वह गाइज एलोवेरा जेल। गाइज, एलोवेरा जेल आपकी स्किन पर हर तरीके से फायदेमंद होता है, आपकी स्किन के ऊपर कभी भी डार्कनेस नहीं होगी, सनटैन नहीं होगा, पिंपल आपको बिल्कुल भी नहीं आएंगे और आपका जो चेहरा धीरे धीरे करके काला हो जाता है, आपकी स्किन जो बहुत ज़्यादा डार्क हो जाती है उस पर ये बहुत अच्छा असर करता है, आपके चेहरे पर बहुत ज़्यादा असर करके आपके चेहरे को बहुत ज़्यादा फेयर बनाता है और आपकी जितनी भी स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं उनको आपकी स्किन से दूर रखता है। सो गाइज, आपको सिंपली करना ही है कि एक चम्मच के बराबर एलोवेरा जेल इसके अंदर ऐड कर लेना है। ये देखिए गाइज, एक चम्मच एलोवेरा जेल हमने इसके अंदर ऐड कर लिया है। अब गाइज, चौथी और लास्ट चीज़ जो आपको इसके अंदर ऐड करनी है वह गाइज विटामिन ई कैप्सूल। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये आपको 20 से 22 रुपए में अवेलेबल हो जाएगा पूरा पत्ता। आपको सिंपली करना है कि एक विटामिन ई कैप्सूल इसके अंदर ऐड कर लेना है। तो चलिए इसे भी ऐड कर लेते हैं। ये देखिए, एक विटामिन ई कैप्सूल भी हमने इसके अंदर ऐड कर लिया है। गाइज, जो भी चारों चीजें हमने इसके अंदर ऐड की हैं ये बहुत ही फायदेमंद होती है आपकी स्किन के लिए, आपकी स्किन के ऊपर जितनी भी डार्कनेस होती है उसे रिमूव करती है, चेहरे को बहुत ज्यादा फेयर बनाती है और हर तरीके से आपके चेहरे पर असर करके आपके चेहरे को बहुत ज्यादा गोरा बना देती है। अब गाइज, आपका नुस्खा बनकर तैयार हो गया है। पहले आपको इसे मिक्स कर लीजिए अच्छे तरीके से, फिर आपको बताऊंगा कैसे आपको इसको अपने चेहरे पर अप्लाई करना है। ये देखिए गाइज, कुछ इस तरह का ये बनकर तैयार हो जाएगा पेस्ट। अच्छे तरीके से 3 से 4 मिनट तक आपको इसको मिक्स कर लेना है। ये देखिए गाइज, कितना खूबसूरत नुस्खा बनकर तैयार हो गया है। ये हर किसी की स्किन टोन के ऊपर वर्क करता है, आपकी स्किन चाहे कैसी भी हो, और कोई भी नुस्खा अगर आपके चेहरे पर वर्क नहीं करता है तो ये 100% वर्क करेगा, बस आपको इसको कंटिन्यू इस्तेमाल करना होगा। ये देखिए गाइज, आपका नुस्खा बनकर तैयार हो गया है। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको इसको अपने चेहरे पर लगाना है। ये देखिए गाइज, कुछ इस तरह का ये पेस्ट बन जाएगा। अब गाइज, आपको सिंपली किसी भी टाइम दिन में कम से कम 10 मिनट तक इसको अपने चेहरे पर कुछ इस तरीके से लगा लेना है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, और 10 मिनट तक डेली आपको इसको इस्तेमाल करना है। आप एक दिन छोड़कर एक दिन इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। 3-4 बार के इस्तेमाल के बाद आप देखेंगे कि आपका चेहरा बहुत ज़्यादा फेयर हो गया है, सनटैन आपके चेहरे से रिमूव हो गया है, आपके चेहरे पर एक अलग ही चमक आ गई है, आपका चेहरा बहुत ही ज़्यादा गोरा हो गया है। और गाइज, इसके कंटिन्यू इस्तेमाल से आप अपने चेहरे को बहुत ही हद तक गोरा बना सकते हैं, आपकी स्किन से पिंपल की प्रॉब्लम भी बिल्कुल रिमूव हो जाएगी, सनटैन रिमूव हो जाएगा और चेहरा बहुत ज़्यादा ब्राइट स्किन फेयर हो जाएगी। सो गाइज, अगर आप भी अपने चेहरे को फेयर बनाना चाहते हैं, सनटैन रिमूव करना चाहते हैं, तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। 100% आपके चेहरे पर असर करके आपके चेहरे को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना देगा, ना ही कोई साइड इफेक्ट है, क्योंकि जो भी चीज़ हमने इसके अंदर ऐड की है नेचुरल है और आपके घर में बहुत ही इजिली अवेलेबल होती हैं। सो गाइज, अगर आप भी अपने चेहरे को बिल्कुल गोरा बनाना चाहते हैं, अपनी स्किन को फेयर बनाना चाहते हैं, तो आप इसे ट्राई जरूर कीजिएगा।